हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू विल बी ऑल फाइन। सो जय माता दी। सो टुडे इज 8 नवरात्रि, टुडे इज अष्टमी। तो आज अष्टमी है और एज आई टोल्ड यस्टरडे, मैंने आपको बताया था कि आज हमारे घर में है कीर्तन। सो कीर्तन की प्रिपरेशंस चल रही हैं। सुबह से उठ के सारे घर की सफाई कर दी, धुलाई वुलाई सब कर दिया मैंने बढ़िया तरीके से। अब नहा लिया है और हस्बैंड गए थे फूल मंडी, तो फूल काफ़ी सारे लेके आए हैं वो माता जी के लिए, उन्हें सजाने के लिए। ये मेरे फेवरेट हैं। कौन से हैं फूल? मोगरा। ये मोगरा है देखो, जो गजरा जिससे बनाया जाता है ना, बनता है जिससे, जो गजरे लगाते हैं हम लोग, ये वो है। ये माँ के लिए लेके आए हैं, उनको डेकोरेट करेंगे कीर्तन से पहले। और ये लेके आए हैं लोटस कमल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूजा में, और लक्ष्मी माँ का प्रिय फूल है ये कमल। और दूसरी बात, ये लेके आए हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हैं पान के पत्ते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पूजा के लिए। और ये हैं गेंदे के फूल येल्लोइश हैं, और ये येल्लोइश मेरे फेवरेट हैं, ये देखिए। और ये हैं गुलाब के फूल भी मेरे फेवरेट हैं। और ये माँ काली के प्रिय फूल हैं। गाइस, अगर घर में कुछ भी पूजा पाठ होता है रिलेटेड, तो हमारे गाजीपुर के पास ही है फूल मंडी, सब्जी मंडी भी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फटाफट जाके ये ले आते हैं मंडी से, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। और ये कह रहे हैं वहाँ जाके तो मतलब कहते हैं ना, मंत्रमुग्ध हो जाना, ऐसे हो जाता है इंसान, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं वहाँ। रेट भी हाई है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं वहाँ। तो मिलते हैं आपसे पूजा के बाद। उन्हें नहा लिया है, ये कर रहे हैं पूजा। मैं भी जा रही हूँ दिया जलाने, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच होल व्लॉग, बिकॉज टुडे वी विल अपलोड होल कीर्तन एटमोसफेयर, होल कीर्तन सॉन्ग्स, कीर्तन डांस, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माई व्लॉग। सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आई हैव कम्प्लीटेड द वर्शिप एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम वेजिटेबल्स फॉर द इवनिंग, बिकॉज टूडे यू नो दैट टूडे इज कीर्तन, सो आई विल नॉट गेट अ टाइम फॉर कुकिंग, दैट्स वाई आई जस्ट मेक इट। क्योंकि कुछ लोग आएंगे ऐसे कि वो खाना खा के जाएंगे, जैसे मेरी दीदी हैं, एक चाची हैं और दो एक लोग हैं, जिससे मैंने कहा कि एक बना के रख लूँ। तो एक सीताफल की सब्जी बना रही हूँ, जो कि विच वी कैन ईट इन फास्ट। और एक बना रही हूँ, आलू बॉईल कर लिए हैं, तो आलू की मस्त खट्टी खट्टी वाली सब्जी बनाऊँगी, जो कि व्रत में हम खा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है अभी, बहुत सारी। अकेली हूँ अभी, रश्मि को फ़ोन करा है, मेरी जो साथी है दुख सुख की, और मम्मी को फ़ोन करा है, वो भी मेरी साथी है दुख सुख की। तो मैंने बोला मम्मी जल्दी आ जाओ, कम से कम कुछ नहीं है तो आप बच्चों के पास बैठोगे तो मैं प्रिपरेशन तो कर लूँगी अपना। तो मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। और बाकी आपको पता ही है कि ऑलवेज मदर हेल्प अस, सपोर्ट अस, मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक आर मदर। अपनी माँ के जैसी कोई हो ही नहीं सकती है दुनिया में। माँ जो होती है वही समझती है बच्चे की परेशानी, बच्चे का अच्छा, बच्चे का बुरा। या समटाइम हम लोग गलत बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, फिर बाद में बुरा भी लगता है कई बार, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसे तो, ठीक है। और बस बन रहा है सीताफल, और फल नहीं पसंद वो मेरे घर आ सकता है। ये सीताफल बनाती हूँ ना मैं, कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। सीरियसली मेरे हस्बैंड ना सीताफल खाना पसंद नहीं करते थे, फिर जब मैंने बनाना शुरू करा ना, तब से वो सीताफल खाते हैं। वो कहते हैं मस्त सीताफल बनाती है गुड़िया के लिए। गुड़िया नाम है मेरा निकनेम, वैसे मेरा नाम तृप्ति है, बच्चों मेरा निकनेम है वो गुड़िया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और यहाँ टी प्रिपेयर हो गई है, और बेचारी रखी रखी देखो कैसी हो गई है, उस पर मलाई भी आ गई है। तो मैं टी पीती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, अभी हो चुके हैं दिन के 12:04 और आ गई हैं दादी और बुआ। तो ये रही बुआ और ये रही दादी। ये हमारी दादी है, हमारी चाची जी हैं, चाची सास है हमारी। तो गाइस देखिए, और आज गाने भी गाएंगी, डांस भी करेंगी। अच्छे से डांस करना दादी, ऐसी देखो भाई, ऐसी नंदे होनी चाहिए। बिचारी मेरी देखो कितनी कमेली, नंदे आते मेरे साथ काम कराने लगे। तो
गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी और लोग भी आएंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपको कीर्तन के समय पर। ऐसे ही रिले चाची जी आ गई हैं, दीदी आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग बातें कर रहे हैं, अभी रुक जाओ, सब लोग बातें कर रहे हैं और यूजुअल इनके लिए इतने सारे टॉयज लेकर आई हैं और ये देखिए लगे पड़े हैं खेलने में, है ना। तो है ना, जो चाची हैं, चाची बहुत अच्छी हैं, सास लेकिन मेरे लिए माँ जैसी हैं और बहुत ज़्यादा मुझे समझती हैं, मेरी प्रॉब्लम समझती हैं वो, और मैं उनसे सब चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होना चाहिए। दीदी भी मेरी बहुत अच्छी हैं, जो मेरी ननद आई हुई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और मम्मी आई हुई हैं, तो सब आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आ गया हूँ वापस और अभी हो चुकी है, देख सकते हैं गाइस पूरा मंदिर सज चुका है, माता भी सज गई हैं, आप देखिए और ये देखिए, देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है पूरा मंदिर। और इधर दरी वरी बिछनी शुरू हो गई हैं, आप देख ही सकते हो। और अभी अभी ये नंगा बैठा है लड़का, इसके नानी का बदल रही हैं कपड़े, तो गाइस देखिए हेलो कर दो। गाइस ये कह रहा है कॉकरोच, मतलब कॉकरोच देख सकते हैं। गाइस कल ये सब पापा जी लाए हैं, देख सकते हैं ये कितनी सारी मस्त है। तो गाइस ये बहुत ही महंगी वाली दूरबीन है, देख सकते हैं, आपको इसके शो करके दिखाता हूँ अंदर से, देखिए शायद आपको दिख रहा हो, एक मिनट। गाइस देखिए ऐसा दिख रहा है कुछ इंटरफेस इसके अंदर देख के, आप देख ही सकते, और ये है कुछ गूगल वगैरह, देख ही सकते हैं कितना मस्त है। ये तलवार के काम में भी यूज हो सकता है, और जैसे गाइस मेरे को लगता है आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या ही बताऊँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और सारे कीर्तन वाले आ गए हैं, मैडम जी रेडी हो गई हैं और मैडम जी के फ्लावर्स लगा दिए हैं मैंने, और मेरे भी दिखा दे मैंने क्या लगाया, मैंने लगाया बहुत जरूरी है। रुको तो आप जगाओ, आप दिखाओ, चलो पीछे पीछे घूमो, ये भाभी हो गई रेडी, फूलों वाली बन गई है रेडी, निकल ऐसे ऐसे बनाया कर। और आंटी लोग सब आ गए हैं, जय माता दी, जय माता दी, ये हमारी दीदियां आ गई हैं, और मंदिर डेकोरेट हो गया है, और दीदियों ने लास्ट कीर्तन जब किया था बोला था आप तेरे ही घर में आऊंगी, और यहीं आई हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग हो गए रेडी, और यहाँ पर ये इनकी बातें दोनों के समधनों के खत्म नहीं हो पा रही बहुत अच्छा लग रहा है, सब बात कर रहे हैं, क्या बातें चल रही थी चाची, मुझे पता है मेरी करोगे ही नहीं, मेरी दोनों माए हैं, मेरी बुराई क्या करेंगी। चलो भाई आ जाओ, दुख सुख की बातें कर रहे हैं, दुख सुख की बातें कर रहे हैं, और ये फूल सबके लगा दिए मैंने सर में, पर्स में डालो, पर्स में, हाँ। और ये दीदी को भी हमने गजरा लगा दिया है जो कि बहुत शुभ होता है। चलो अब मिल, अब कीर्तन का सारा ब्लॉग जो है ये शूट करेगा मेरा बेटा, क्योंकि मैं हो जाऊंगी बिजी, तो आप देखिए और लाइक कीजिए। कीर्तन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो लेके चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं आपको कीर्तन।
कुछ है नहीं क्या बेटा। Thank you.
Thank you.
दादी आपने गुलाब देखा होगा। गाइज आज का कीर्तन इतना ज़्यादा बेस्ट हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और एज़ यूजुअल अब जाके कहीं व्रत खोल रहे हैं। व्रत बनाया है कुट्टू की पूरी, सीताफल की सब्जी और ये आलू की सब्जी है। बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए थे, मेरे पड़ोसी वगैरह सब आए थे, हमारी चाची सास आई थी, मम्मी आई थी, मेरी ननद वगैरह आई थी, हमारी बुआ हैं जो बीना बुआ वो आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बुलाने बाकी हैं यहाँ पे, लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था। अगर सबको मैं बुलाती तो थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से मैनेजमेंट करनी पड़ती, इस वजह से बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टाइम मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। बहुत सारे अभी लोग हैं जो हमारे आज़ादपुर में रहते हैं और बहुत इधर उधर आसपास रहते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे चचिया ससुर, मेरे चचिया सास हैं, मेरे देवर, बहुत लोग हैं। तो उन्हें जब बुलाऊंगी तब तो भैया डबल मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं, इतने फ़नी हैं कि मज़ा ही आ जाएगा उनसे मिलकर। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स जिन्हें ये दिख रहा है कि हमें नहीं बुलाया, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरे पास अभी समय की कमी थी इसी वजह से मैंने आप लोगों को इनवाइट नहीं किया। लेकिन आप लोगों को इनवाइट मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज यू आर माई फैमिली, सो हाउ कैन आई फॉरगेट यू। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मुझे भूख लग रही है और भूख के साथ साथ आज पेट में बन गई है गैस, क्योंकि सुबह से चाय ही पी और कुछ नहीं खाया, तो अब यहाँ पर दर्द हो रहा है नीचे। और ये जो सूट दिख रहा है ये मेरी मदर ने मुझे सिलवा के दिया है, येलोइश सूट। ठीक है, और जो ये है, ये वाली माला कह रही हूँ मैं, जो ये नेकलेस टाइप है, ये ठाकुर जी का, ये वृंदावन से लाई थी मैं, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ऐसा मैं अपनी कालका माँ का भी ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो वो भी पहनूंगी मैं। ठीक है, और मेरा गला बैठ गया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गाए हैं चिल्ला के, सो जय माता दी गाइस। माता कालका आप सबकी जो मनोकामना है वो पूरी करे, और आप सब भी मेरे लिए प्रे करना, मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं अपनी जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल कर सकूँ। जल्दी जल्दी मुझे आगे बढ़ाइए गाइस। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो सो आप लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल कन्या पूजन में, क्योंकि कल कंज के जमाएंगे हम, नौवीं है कल, सो बाय बाय गाइज़।